आतंकियों को महिमा मंडित करने वाली समाजवादी पार्टी, देश विरोधियों को अपने यहां जगह देने वाली समाजवादी पार्टी, आज जिस तरह से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच पर एक राष्ट्र विरोधी शायर मुनव्वर राणा की बेटी को ज्वाइन कराया, जो अभी चंद दिन पहले तक देश में और उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर देश के कानून के खिलाफ लोगों को भड़का रही थी, लोगों को बाकायदा उकसा रही थी, बवाल करा रही थी, पत्थरबाजियां करा रही थी, वो उसको आज उन्होंने अपने मंच पर बुलाकर ये बात साफ कर दी कि जो देश विरोधी गतिविधियों में रहेगा, जो आतंक के समर्थन में खड़ा होगा, उसके बाप को आप सबने देखा कि कुछ दिन पहले अभी उसने साफ तौर पर कहा मनोहर राणा ने कि आतंकी अगर कत्ल कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, उनका अधिकार है, तो आतंकियों को महिमा मंडित करने का अधिकार समाजवादी पार्टी के पास है कि जो इस तरह की भाषा बोले, जो देश तोड़ने की भाषा बोले, जो देश विरोधी गतिविधियों में रहे वो समाजवादी पार्टी में आ जाए। तो ये है तुष्टिकरण की राजनीति और निजी स्वार्थों की राजनीति, जो आज अखिलेश यादव ने फिर साबित कर दिया, पूरे मंच के ऊपर सबको दिखा दिया, पूरे देश ने और प्रदेश ने देख लिया कि ऐसे लोगों की जगह समाजवादी पार्टी में है।